क्या आपको तुरई की सब्जी बोरिंग लगती है और ऐसा लगता है कब तक एक ही तरीके की तुरई की घर पे सब्जी बनती रहेगी, तो रुक जाओ, आपके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो एकदम नया है, रिफ्रेशिंग है और मार्केट में तुरई शायद आपने कभी इस तरीके से खाई ना हो। बस जिस तरीके से आप ये तुरई खाएंगे ना, आप कहेंगे भाई वाह, कैसे बन के तैयार हो गई इतनी ज़बरदस्त तुरई। और ऐसा भी हो सकता था, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपनी तुरई को धो लें। हमने इसे बेकिंग पाउडर में धोया है ताकि इसके ऊपर जर्म्स लगे हों तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। उसके बाद ऑयल डाल के इस तुरई को हम तल रहे हैं, क्योंकि आज ये कुछ खास बन रहा है। आज ये वही आपके घर की हमेशा बनने वाली सब्जी तो बिल्कुल नहीं बन रही, आज इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ नयापन है। तुरई में हमने फ्राई कर लेना है 4-5 तुरई को। अब दोस्तों क्या क्या आगे होगा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है मान साहब को कानपुर से और राजवीर को झारखंड से। आपने देखा कैसे हमने कुछ तुरई डाल के उसे तलना शुरू किया। 4 लंबी लंबी तुरई थी और ये अच्छे से पकानी है। आपको थोड़ी नहीं पकानी है, आपको अच्छे से पकानी है, पूरी पकानी है। पूरी का मतलब है आपको हल्का सा इसे गोल्डन कलर तक वेट करना है। गोल्डन मतलब ये हरा तो गोल्डन होगा नहीं, लेकिन हाँ आपको दिखने लगेगा कि ये पक रहा है और पक चुका है। दोस्तों आपको क्या बताऊं, मैं जो तुरई है, ये तुरई की सब्ज़ी बहुत ही स्पेशल बनती है, लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वो तुरई का एक खास रूप है, एक ऐसा नया रूप जिसको आपने तुरई के साथ कभी एहसास करके खा के देखा ही नहीं होगा। 2 साबुत प्याज और डाले हमने इसमें, और आपको इसको भी तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये भी डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए, यानी कि अच्छे से पकना जाए। तो मैं इसको अच्छे से घुमाऊंगा, लगभग 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगा, इतना अच्छे से कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, पता चलना चाहिए कि पक चुका है, क्योंकि आगे जो है हम तुरई पकाने नहीं वाले, इसी पकी हुई तुरई से ही आगे की प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। तो अगर अभी कच्ची रह गई तो आगे की प्रक्रिया में तुरई कच्ची रह जाएगी, तो इसीलिए इसको एकदम खास इस तरीके से पका लेना होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही पक के तैयार होने वाली हो, इसमें डालने हैं थोड़े से आपको अखरोट, और अखरोट की जगह आप काजू भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सारी तुरई की सब्जी को बाहर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले प्याज निकालेंगे और प्याज रखेंगे बर्फ़ के ऊपर, झटपट ठंडा हो जाता है इससे। और तुरई की सब्जी भी सारी की सारी रखेंगे इसी बर्फ़ के ऊपर, ये पक अच्छे से चुकी है। अब जैसे ही आप तुरई की सब्जी ऐसे बाहर निकाल लें, आपको क्या करना है, सारी की सारी सब्जी को ठंडा होने के लिए इंतज़ार करना है, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो तुरई हो। जैसे ही तुरई की सब्जी ये आपकी थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाए, उसके बाद आप क्या कीजिए, तुरई को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, कुछ इस तरीके से। सारी की सारी तुरई आपको ऐसे ही काटनी है। अब बड़ी आसानी से कट जाती है, और तेल में डालने के बाद इसे पानी में जब हम डालते हैं फ्राई करके, तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है, सब्जी में बिल्कुल भी ऑयल का एहसास नहीं होता है। जब भी आप देखते होंगे हम फ्राई के बाद इसे बर्फ़ या पानी में डालते हैं, उससे सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। यही बेस्ट तरीका है किसी भी फ्राइड चीज़ को खाने का। तो सारी तुरई हमने काट ली है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में डाल देंगे हम सारे के सारे प्याज इस तरीके से, और प्याज के साथ हम डाल देंगे अखरोट, अखरोट के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्ची, और उसके बाद हम थोड़ी सी लौंग डाल रहे हैं, इलायची डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, और उसके बाद इसे काली मिर्च डाल के थोड़ी और हींग डाल के पीस लीजिए। बस ये एकदम बेस्ट परफेक्ट एकदम इसकी, आप इसका रस एकदम ग्रेट करके दालचीनी डाल दी और आप इसको एकदम पीस लें, दरदरा पीसा है। और अब कढ़ाई में हल्का ऑयल डालने के बाद आप थोड़ा सा डाल दीजिए जीरा, और जीरे के बाद डाल दीजिए आप इसमें जो अभी हमने मिश्रण तैयार करा है ना, वो सारा मिश्रण इसमें उतारते हैं दोस्तों ऐसे। अब इसे भून लीजिए अच्छे से, भूनने से आपको बेहद ही ज़्यादा बढ़िया स्वाद और खुशबू आएगी, क्योंकि इसमें खड़े मसाले भी हमने साथ में पीसे हैं, और ये उसको और यम्मी बना देते हैं, इसके फ्लेवर को और इन्हेंस कर देते हैं। जैसे ये भून जाएगा आपको इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हो सकता है, आप चाहें तो इसमें हल्का ऐड कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसमें अब आपको डालना होगा थोड़ी सी सामग्री और, थोड़ी सामग्री में सबसे पहले हम मटर डाल रहे हैं, क्योंकि मटर के साथ ये अच्छी सी भून जाएगी, और जैसे ही मटर के साथ अच्छे से भून जाए
आपको इसमें डालना होगा टमाटर। मटर आप ध्यान रखिए कच्चे ना रह जाएं। अब ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया टमाटरों को इसमें हल्का सा प्याज वाले जिस बाउल में हमने प्याज पेस्ट बनाया था उसी में हल्का पानी डाल रहे हैं, प्याज कुछ लगा रह गया था। और अब ये दोस्तों आपको अच्छे से पकानी है, ये एकदम बढ़िया टेस्टी मटर भी पकेंगे टमाटर भी पकेंगे और इतनी अच्छी ये सूखी ग्रेवी बनेगी, क्योंकि आज तुरई की जो सूखी ग्रेवी की सब्ज़ी हम बना रहे हैं ये बहुत यम्मी होती है। इसमें मसाले डाल दीजिए और मसाले के साथ साथ इसमें ये कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा खुशबू और स्वाद आता है। ये सब्ज़ी आपने तुरई की कभी भी ऐसे नहीं तैयार करी होगी दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिएगा इसके स्वाद के आगे आपको शायद किसी भी और सब्ज़ी का इतना स्वाद ना आए। और इतनी यम्मी बनेगी तैयार होगी, आपको लगेगा पनीर खा रहे हैं या तुरई खा रहे हैं। और हरी सब्ज़ी का मज़ा भी है इसमें। पका लिया अच्छे से, अब मसालों में अच्छे से पकाएंगे क्योंकि हमें मटर भी पकाने थे और मटर हमने कुछ पका लिए। और अब आप फटाफट डाल दीजिए मसाले, नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, जो भी आपको स्वाद अनुसार पसंद हो। और ये एकदम परफेक्ट तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। थोड़ी लाल मिर्ची भी डाल रहे हैं। तो बस यही एक असरदार तरीका है, तुरई बहुत टेस्टी बनती है इससे। और आप जब भी इसे खाएंगे बनाएंगे और किसी को भी खिलाएंगे आप कहेंगे भाई यही है एक बेस्ट तरीका इसे बनाने का। चलिए अब इसको अच्छे से पका लेते हैं और इसको घुमाने के बाद इसमें थोड़ी सी तुरई या फिर तोरी आप जो भी कहते हो अपने इलाके में, हम तोरी भी कह देते हैं और तुरई भी कह देते हैं कभी कभी। बस इसको अच्छे से अब आप पका लीजिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, और खड़े मसाले जो डाले थे हमने प्याज में वो तो इसको और स्वादिष्ट बना देते हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं बंद और ढक के पका सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप इसमें पहले तुरई डाल के फिर भी थोड़ी देर पका सकते हैं, ऑप्शनल है। तुरई पकी हुई थी मैक्सिमम और हमने पानी में डाल के इसका ऑयल भी निकाल दिया था एक्स्ट्रा। और अब ये घुमाइए और डालने चाहे तो धनिया भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तोरी की सब्ज़ी कैसी लग रही है दोस्तों हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतनी बढ़िया यम्मी चीज़ तैयार हुई है ना, दिल ज़रूर जीतेगी आपका ये। जब भी बनाएंगे जब भी खाएंगे मज़ा आएगा। ढक के थोड़ा सा इसे पकाएंगे और ये तब पक के कुछ इस तरीके से तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए आपने देख लिया इसकी पूरी प्रक्रिया को, तो मैं भी चलता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों। डिलीशियस फूड को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शायद इसे शादियों में या बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसे तुरई की सब्ज़ी खाई होगी और पता भी नहीं चल पाया होगा कि तुरई की थी, इतनी टेस्टी बनी है। निकाल देता हूँ इसे एक सर्विंग बाउल में और गैस बंद कर दिया है तो ये इस तरीके की तैयार होगी। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाते रहें। धन्यवाद।